आइए फ्रेंड, आज की वीडियो में जान लेते हैं कैसे हम GB WhatsApp को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब अपडेट वाला। जैसे मान लीजिए आप बहुत दिनों से GB WhatsApp यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते हुए आपको दिक्कत आ जाती है, उसे अपडेट करना पड़ता है। लेकिन जब आप अपडेट नहीं कर पाते तो शायद आप डिलीट कर देते होंगे या फिर आपको अपडेट करने में प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे GB WhatsApp। इतना लिख कर हम सर्च कर देंगे गूगल में। लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हम लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कुछ आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए GB WhatsApp ऊपर में ही आ गया है अपडेट लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिटेल दिखाई देगा सामने, 3 दिन पहले ये एप्लीकेशन जो है अपडेट हुआ था और ये अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और चलिए हम इसे डाउनलोड करते हैं। क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसे ओपन करेंगे। जैसे ये ओपन हो रहा है हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इस तरह का पेज आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा इसे ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देख सकते हैं एक लिंक आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, और इसे डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं डाउनलोड GB WhatsApp, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे तो ये आपको डाउनलोडिंग पेज पर लेकर जाएगा। डाउनलोडिंग पेज पर यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 दिन पहले अपडेट हुआ है। देखिए इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर जो है सर्विस, अगर आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है डाउनलोड GB WhatsApp APK, कर देते हैं क्लिक। यहाँ पर एक ऐड आएगा, इस ऐड को यहाँ पर राइट ऊपर साइड में क्लिक कीजिएगा। कट वाले ऑप्शन पर यह ऐड वापस चले जाएगा जहाँ से आया था। थोड़ा वेट करेंगे, आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेट कितना स्पीड है। यहाँ पर अब आ जाएगा आपके सामने ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर कर देना है सिंपल सा ओके। ओके करते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल देख पाएंगे। यहाँ पर डिटेल का ऑप्शन देख सकते हैं, क्लिक करते हैं और देखते हैं डिटेल। ये डाउनलोडिंग होता हुआ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो चुका है, 44 MB का है। और इसे डाउनलोड करने से पहले, मतलब कि इंस्टॉल करने से पहले आपको जो पर्सनल व्हाट्सअप, पहले का जो व्हाट्सअप, कोई भी व्हाट्सअप हो आपके पास, उसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके बाद इसे क्लिक कीजिएगा और इसे इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है, वरना ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल वाले बटन पर और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो वेट कीजिएगा, जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको, ओपन करके चालू करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस ये इंस्टॉल होने ही वाला है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अब इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर बस हमसे आपका अपना नंबर पूछा जाएगा, नंबर एंटर कर देंगे, आपको पता ही होगा है क्या करना है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि अगर आपके जो मैसेज आए थे उस व्हाट्सएप में, जो पहले आपके पास व्हाट्सएप था उस पर जो भी मैसेज आए हुए थे, वो सब मैसेज आपका इस व्हाट्सएप में आ जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा ग्रीन एंड कंटिन्यू पर क्लिक, एग्री एंड कंटिन्यू पर। और यहाँ पे देखिए क्या ट्रिक करनी है, मैं आपको बताता हूँ, LY कर देना है। और यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पर रिस्टोर का और स्किप का, तो आपको स्किप नहीं करना, आपको रिस्टोर कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस व्हाट्सएप का जो है डेटा चाहते हैं, मतलब कि जो मैसेज थे वो आ जाएंगे किस व्हाट्सएप का। तो मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सएप का नहीं, मैं FM व्हाट्सएप का चाहूँगा कि मेरा जो भी डाटा था FM व्हाट्सएप का वो सारा आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर से कोई एक ही चीज़ का ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक ही का नहीं लूँगा। हाँ चलिए, मैं FM का ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो FM का, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रिस्टोर वाले पर। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, जो भी FM व्हाट्सएप में मेरे डाटा था वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं अपना मोबाइल नंबर। एंटर करने के बाद यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक। चलिए एक मिनट, यहाँ पर कर देते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद वेट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा OTP हमारे मोबाइल नंबर पे और वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो वेट करते हैं जब तक OTP आ रहा है, नंबर चेक कर लेते हैं क्या नंबर हमने सही एंटर किया है। तो नंबर हमने यहाँ पर बिल्कुल सही एंटर किया है, थोड़ा टाइम लग रहा है OTP आने में, तो वीडियो को फास्ट कर देते हैं। फ्रेंड बताना चाहूँगा कि अभी तक मेरा जो है SMS नहीं आया है, तो अगर आपके साथ ऐसा रीज़न होता है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है रीसेंट SMS पे। अगर तो उसके बाद भी नहीं आता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कॉल मी पर। जैसे ही कॉल मी पर क्लिक करेंगे आपके पास एक कॉल आएगा और उसको आपको नंबर बताएगा 6 डिजिट का। ठीक है,
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो SMS आएगा, आपको पता ही है। चलिए हम क्लिक करते हैं दोबारा इस पर और वेट कर लेते हैं थोड़ा, देखते हैं आता है या नहीं। तो आ चुका है और ये वेरीफाई भी हो चुका है। यहाँ पर हमने जो 2-स्टेप वेरीफिकेशन नंबर डाला था वो हम एंटर कर लेंगे। तो एंटर कर लिया है, उसके बाद ये वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई होने के बाद आपका जो व्हाट्सअप है यहाँ पर रिस्टोर करना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि उस टाइम हुआ नहीं था, तो हम दोबारा से रिस्टोर करते हैं। और ये देखिए जो भी SMS था मेरा FM व्हाट्सअप में वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। 36 MB का है, ऊपर दिखाया जा रहा है, 2 मिनट लग सकता है, तो लगा नहीं है। 1416 SMS थे जो यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हमारी फ़ोटोज़ भी आ चुकी है, अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए हमने कर दिया है, उसके बाद वेट करते हैं। ये इनिटलाइजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर दोबारा से एंटर योर वेरिफिकेशन, यहाँ पर नेवर पर क्लिक करेंगे अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो। उसके बाद नेवर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए हमने कर दिया है, अब वेट करते हैं। यहाँ पर दोबारा से वेरिफिकेशन पिन मांगा जा रहा है, तो हम एंटर कर देंगे जो भी मेरा वेरिफिकेशन पिन है, 2 वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर कुछ तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, सिंपली कट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और ये देखिए आपका व्हाट्सएप चालू हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, और एक बात बता दूँ, यहाँ पर कोई नंबर अगर आपका सेव नहीं है तो, सेव है लेकिन यहाँ पर सबका नंबर शो कर रहा है, किसी का नाम नहीं आ रहा, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है सेटिंग में, सेटिंग में नहीं, यहाँ क्लिक करना है सेटिंग वाले के ऊपर वाले बटन। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे आपका सारा नंबर जो है यहाँ पर आ जाएगा, जो सेफ नंबर थे वो सारे सेफ दोबारा से हो जाएंगे, यानी कि जिसका भी नंबर आ रहा था वो नंबर हट के नाम आने लगेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं जब तक ये सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर रिफ्रेश मार देंगे, एक बार रिफ्रेश मार लिया हमने, वेट करते हैं, बस ये नंबर आ गया। उसके बाद बैक कर देंगे, जैसे ही बैक करेंगे तो ये देख सकते हैं सारा नंबर सेफ हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आई है, वीडियो को लाइक कर दिया है आपने। चलिए फ्रेंड, फिर मिलता हूँ मैं यानी तनवीर से आपको फिर किसी नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।